बात उन निवेशकों की मुश्किल की करते हैं जिन्होंने क्रेडिट सोसाइटी में पैसा लगा रखा है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव के गड़बड़ झालों को हमने सिलसिलेवार तरीके से मास्टर स्ट्रोक में ही दिखाया था। हमारी खबर के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आदर्श सोसाइटी के कई दफ्तरों पर छापा भी मारा। सरकार ने नए नियम भी जारी किए, लेकिन बावजूद इसके आम लोगों के पैसे मिलने में मुश्किल तो है। पैसा दिन दूना रात चौगुना बढ़ाने का दावा है, और ये सपना दिखाया आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के मुकेश मोदी और उसके परिवार ने। लेकिन उस सपने का हुआ क्या, और जिन लोगों ने वो सपना देखा उनका क्या हुआ? मेरा 50,000 की एफडी है, वो एफडी 1.5 साल हुआ है। मेरे को एफडी का मूल धन चाहिए, न कि ब्याज। क्या मामला है आपके? मेरा आदर्श बैंक में खाता है और उसमें 6 लीजर पड़े हैं, और एजेंट को बोल डायरेक्ट दिया है और साइन करके दिया, उसने बोला 1-2 दिन में दे देंगे, अभी तक दिए नहीं। 4 बार चक्कर लगा रहा हूँ, अभी तक हमारे को संतोष जवाब नहीं मिल रहा है। ये राजस्थान के जालोर के वो आम लोग हैं जिन्होंने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा जमा कराया। ब्याज मिलना तो दूर की बात, आज ये मूलधन के लिए सोसाइटी के चक्कर काट रहे हैं। मैंने सोडा बेस के पैसा कमाया और आदर्श बैंक में जमा करवाए। आदर्श बैंक में जमा करवा के एजेंट मेरे को बोल रहे हैं कि कल देंगे, परसों देंगे। किसी ने 50,000, किसी ने 25,000, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से पैसा जमा कराया, और इनके जैसे 150 नहीं बल्कि पूरे 22 लाख लोग हैं। पूरी रकम 12,000 करोड़ की जमा हुई है, लेकिन पैसा मिलेगा कब ये कोई नहीं बता रहा। एबीपी न्यूज ने जून में ही पैसे के गबन का खुलासा किया था। बचत पत्र, इसमें जो भी अमाउंट है उसका 12.25% आपको अप्रॉक्स मिलेगा, यानी कि जो अमाउंट है फिक्स हमारे डिसाइड है कि 50,000 आप डिपॉजिट करेंगे, 50,000 का 57.25 ये हम आपको पे। जिसके बाद आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी हुई। छापेमारी में एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लगी, गड़बड़ी पाई गई। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने मामले को गंभीर धोखाधड़ी का मानते हुए जांच कार्यालय यानी कि एसएफओ को सौंप दिया। रिपोर्ट किसानों के कल्याण मंत्रालय और सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय को भी भेजी गई। लगा कि अब मुकेश मोदी और उसके परिवार पर कार्रवाई होगी और निवेशकों का पैसा वापस दिलाया जाएगा, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि कृषि मंत्रालय ने आदेश जारी किया कि कोऑपरेटिव सोसाइटियां अपने दफ्तरों पर एक नोटिस चस्पा करें जिसमें लिखा हो कि निवेशक अपने रिस्क पर पैसा लगाएं, और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने वो डिस्क्लेमर अपनी जयपुर, जालोर और सिहोरी समेत कई ब्रांचों पर चिपका भी दिया। नोटिस अंग्रेजी में है और गरीब निवेशकों को इस कागज के टुकड़े का मतलब कितना समझ आएगा ये सवाल तो है ही। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मौजूदा वक्त में अहमदाबाद में रजिस्टर्ड है, उसने अपने ऑफिसों में, खासकर हमने यहाँ जयपुर के ऑफिसों में देखा, तो ये भारत सरकार का नोटिस लगा तो रखा है, लेकिन उसने अपने निवेशकों को इस बात के लिए आगाह नहीं किया है कि कल को कंपनी का पैसा डूबता है या कंपनी को किसी तरह का नुकसान होता है तो लोगों के नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी सरकार बिल्कुल नहीं लेगी। तो चलिए एक बार मान भी लिया जाए कि नोटिस लगा देने से अब लोग पैसे निवेश नहीं करेंगे, लेकिन उन 22 लाख लोगों के 12,000 करोड़ रुपयों का क्या, उन्हें कौन वापस दिलाएगा? 12,000 करोड़ गबन के आरोपी मुकेश मोदी और उसके रिश्तेदारों पर सख्त कार्रवाई कब होगी, या फिर नोटिस चस्पा करवा देने से सरकार और एजेंसियां अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गईं? सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल उन 22 लाख निवेशकों को लेकर, उनके लिए मुश्किल तो है और इस मुश्किल का हल किस रूप में निकलेगा ये उन्हें पता नहीं। इसी बारे में बातचीत करने के लिए शीला रावल मेरी वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। शीला, सीधा सा सवाल है, आदर्श सोसाइटी का गड़बड़ झाला हमने दिखा दिया देश को, लेकिन देश में कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है और निवेशकों का कितना धन हम फंसा हुआ मान सकते हैं? अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो देश में 1,326 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, और अगर आदर्श में 22 लाख निवेशक है और 12,000 करोड़ का अभी तक की जमाई इकट्ठा हुई है, तो उसी अंदाजे से जो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि करीब 30 लाख करोड़ का निवेश इन मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी में हुआ है,
चित्रा, बात ये है कि पोंजी स्कीम होती रही है, सहारा हुआ, पर्ल हुआ और आदर्श हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, स्टे है और 3 साल हो गए। 2015 में राजस्थान के हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा था कि कोई भी क्रेडिट सोसाइटी बैंक की तरह नहीं चल सकती, उनको लाइसेंस लेना चाहिए जमाई के लिए। तो ये सारी सोसाइटी वाले सुप्रीम कोर्ट गए, स्टे आया, कोर्ट ने जांच के आदेश दिए, लेकिन स्थिति जस की तस। मेरा अगला सवाल जल्दी से मैं चाहूंगी आप इसका आंसर दीजिएगा। सरकार ने अपनी तरह से कह दिया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने ऑफिस के बाहर नोटिस लगाएंगे, लेकिन क्या सरकार की जिम्मेदारी शीला इतनी भर है? बिल्कुल नहीं है, ये बार बार होता रहा है। निवेशक लालच के मारे ऐसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में चले जाते हैं, लेकिन उनको एक पैसा नहीं मिलता। 12,000 करोड़ रुपया लेने के बाद में भी मुकेश मोदी और उसका परिवार महफूज है। अभी तक आपको हम बताएं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने माना, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने माना, सब ने माना, उसके बावजूद प्राइमा फेसी केस है, ये भी मान लिया, उसके बावजूद मुकेश मोदी और उसका परिवार आज़ाद है। ये विडंबना नहीं तो क्या है? कल जब निवेशक आदर्श क्रेडिट सोसाइटी में पैसा लेने जाएंगे तो क्या सोसाइटी में पैसे हैं? नहीं, गरीब निवेशकों की सारी जीवन की पूंजी ऐसे ही चली जाती है। चलिए, हम उम्मीद करेंगे शीला रावल आपके इस रिपोर्ट को देखने के बाद सरकार इस बारे में चेतेगी और लोगों की मुश्किलों का निदान ढूंढेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। ये है ABP News, आपको रखे आगे।